जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपका जुलाई से मिलने वाला महंगाई भत्ता ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। अगर उसके बारे में हम बात करें तो वो सारे आंकड़े आपको 5 अगस्त 2024 को ऑलरेडी मिल चुके थे। उनके मुताबिक जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपको 12 महीने का ग्राफ दिया हुआ है और ये लास्ट जून महीने के आंकड़े आपको प्राप्त हुए थे। उसके मुताबिक आपका महंगाई भत्ता अब 50% से बढ़ के 53% हो जाएगा, क्योंकि आपको जुलाई से मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन अब जनवरी 2025 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के जो आंकड़े आपके आने थे 30 अगस्त 2024 को, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ये आपके सामने एक 5 अगस्त का लेटर है जो कि आपको जून महीने के आंकड़े दे रहा है, जिसमें आपकी वृद्धि हुई थी और उसके हिसाब कैलकुलेशन हुआ है आपके महंगाई भत्ते का, और आपका महंगाई भत्ता 5% निकल कर आया है। जबकि देखिए, ये 5 अगस्त को निकला है, जबकि ये डेटा आपका आना चाहिए था 31 जुलाई 2024 को। पिछले फरवरी के बाद सरकार की तरफ से आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं टाइम पर, बार बार डिले हो रहे हैं। पिछली बार आपको पता होगा 3 महीने के आंकड़े एक साथ आए थे, और अब आपको जुलाई के जो आंकड़े मिलने थे वो मिलने थे 30 अगस्त को। ये आप देख रहे हैं, और ये कैलेंडर ईयर है, पहले ही दे दिया जाता है पूरी एक साल का कि किस महीने के आंकड़े कब आएंगे। और दूसरी भाषा में समझें तो हर महीने के लास्ट वर्किंग डे में AICPN अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं। तो जुलाई के आंकड़े आपको 30 अगस्त को जारी होने थे, लेकिन अभी इस वक्त आज 4 सितंबर हो चुका है और अभी तक आपके आंकड़े नहीं आए हैं कि जनवरी 2024 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के फर्स्ट महीने का सूचकांक कहां पहुंचा। अब ये कब आएंगे कब नहीं आएंगे पता नहीं। लेकिन एक चीज़ और, ये जो लेटर है, लेटर के एंड में आंकड़े कब रिलीज होंगे वो भी दिया जाता था पहले, अब वो भी सरकार ने लिखना बंद कर दिया है, अब नहीं आपको लिख के दिया जा रहा है। इसके संदर्भ में जब पिछले 3 महीने के आंकड़े नहीं आए थे तो हमने RTI डाली थी, उस RTI के माध्यम से पूछा था, तो हमको रिप्लाई सिर्फ एक ही मिला है कि आपके आंकड़े जैसे ही आएंगे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और जब वो आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड हो जाते हैं तो RTI को क्लोज कर दिया जाता है कि आपके आंकड़े वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब ये अपडेट मुझे इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पूछते हैं कि वो कब से महंगाई भत्ता बढ़ेगा, उसके आंकड़े क्यों नहीं आए अभी तक। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन महंगाई भत्ता के संदर्भ में, जो कि आपका जुलाई का फाइनल हो चुका है और 25 जनवरी से मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है उसके आंकड़े नहीं उपलब्ध हुए उस संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।